टीकमगढ़ जिला के लिधोरा तहसील के चंदेरा गांव के निवासी मानसिक विक्षिप्त हरिओम अहिरवार के साथ आए दिन मारपीट की जा रही है। चंदेरा थाना में पदस्थ पुलिस कर्मचारी वीरेंद्र अहिरवार ने मानसिक विक्षिप्त हरिओम अहिरवार के साथ डंडों से मारपीट कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हरिओम की पत्नी ने बताया कि मेरे पति मानसिक विक्षिप्त है और पति के साथ चंदेरा थाना में पदस्थ पुलिस कर्मचारी वीरेंद्र ने मारपीट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संवाददाता ने चंदेरा थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि इस मामले की जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। लगातार हरिओम अपनी आजादी की गुहार लगाया है तो वही मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर जब लोगों की राय ली गई तो उन्होंने कहा कि आखिरकार मानवता बची ही नहीं है, क्यों ना ऐसे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने बाद 20 रोड पे मेरे बेटे हरिओम को खड़ा किया। खड़े करने में 3 डंडा उसने जांघ में मारे। बोले पाँ पाए मेरी पत्नी की पाँ पड़ा पाँच ऐसी परा मोड़ मारे रोड पे जमीन पे रोड पे रखा तो पीछे से उसने एक डंडा मारा जो रीढ़ की हड्डी में लगा, जो उसकी रात भर कष्ट में रहा। मैं उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ और लगा रहता हूँ। श्रीमान जी आपके पति के साथ पुलिस कर्मी ने कैसा व्यवहार किया? हम काम पे गए थे, काम पे से लौटे तो देखा कि खड़े होकर गाली दे रहा था। फिर गाली दे के हम अंदर आए तो वो गाली बक रहा था, गाली बक मुंह से में फिर अंदर आए, अंदर आके उसने बहुत लातों से मारा, मारी 4-5 फिर घर चला गया। फिर घर से फिर वापस आया डंडा लेकर, डंडा भी मारे बहुत बाहर निकाल के। वीरेंद्र पुलिस वाले ने घर में से घसीट के डंडा मारे बाहर रोड पे और पापा परवाए अपनी लुगाई के वो अपने। हमारे दादाजी और बड़े पापा जी हाथ जोड़े थे, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ, आप मारो ना, तो वो सुनी है सुना नहीं उन्हें कुछ भी। हमारे दादाजी को धक्का देकर वो अंदर आ गए और हमारे पापा को पलंग पे से नीचे पटका और लाते मारी। फिर बाहर निकल के गाली देने लगे, कहने लगे कि इस घर में नहीं रहना, अब दिख पड़े ना तो सबको घसीट के मारेंगे, यहाँ जान से मार डालेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे पापा के साथ साथ तुम्हारे घर को भी। बोल 5 मिनट बाद फिर लाठी लेके आए वो, बाहर निकालो बाहर निकालो, और तारा खोला जैसे ही घसीट कर बाहर ले गए रोड पर, बीच रोड पर ठाणे करके 4-5 लठियां मारी। फिर वो बोलने लगे कि मेरी पत्नी के पाँव पर, जैसे ही पाँव पड़ने लगे सो फिर एक डंडा मारा रीढ़ की हड्डी में। आपको पुलिस कर्मी ने क्यों मारा? मैं नहीं जानता कि मुझे पुलिस कर्मी है या क्या है, मेरे साथ तो कर्म किया गया है मुझे। मैं टीकमगढ़ गया था, बैकलॉग सर्टिफिकेट बनवाने गया था टीकमगढ़ अस्पताल, तो वहां से लौटा, मुझे सागरों तारों जंजीरों से बांध दिया गया और कोई वीरेंद्र नाम का लड़का आया, सुना है वो चंदेरा थाने में कोटिपाल पुलिस वाला है, उसने मुझे लातों ही लातों से मारा। फिर वो थक गया तो वो अपने घर पानी पीने के लिए चला गया, फिर जोश भर के होश में आया तो लाठी डंडों से पकड़ के खचोड़ के घसीट के ले गया बाहर। मेरे पिता बाप से बोला उसको छोड़ छोड़ मादर चोर छोड़ इसको छोड़ ताला कोर, आज के बाद ये यहाँ नजर आया तो जान से मार दूंगा, कुछ भी हो आज की रात यहाँ इसको नहीं दिखना चाहिए। क्या करूं क्या करूं मैं किससे कहूं, मुझे रोड पे मार के बोला मेरी पत्नी के पैर पर, साले वहां से नहीं यहाँ से पड़, मैंने रोड पे माथा टेक दिया तो उसने एक लठ मार दिया, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मेरा, मेरा, मेरा।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।